हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे ब्लॉग में। और आज है खरना और कल था नहाए खाए, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो आज अभी बहुत ही सुबह सुबह का समय हो रहा है और यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी पड़ोसी जो हैं, जो हमारे घर के नीचे में रहती हैं, वो दोनों गेहूँ चुन रही थी। और यहाँ पर सब पूजा का सामान रखा हुआ है, ये रूम खाली हो गया है और यहाँ पे ये दोनों गेहूँ चुन रही हैं। मेरी मदर इन लॉ भी आ गई हैं, तो ये गेहूँ जो है पूजा के लिए चुना जा रहा है। इसको चुनने के बाद फिर इसको पिसवाया जाएगा और फिर उसका प्रसाद बनेगा। तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी नहाकर गेहूँ चुनने के लिए, क्योंकि ये गेहूँ जो है नहाकर बिना खाए चुना जाता है। तो हम लोग सब यहाँ पर गेहूँ चुन रहे थे, क्योंकि हमारे घर में स्पेस कम है, तो हम लोग यहाँ आंगन में ही गेहूँ फटक कर और चुन रहे थे। आप देख सकते हैं पूजा के बर्तन में ही गेहूँ चुना जा रहा है। और अब ये लोग छठ का गीत गा रही हैं। गेहूँ चुनने के बाद मैं वापस आ गई घर पर। दूध रखा हुआ था गाय का जिसमें प्रसाद बनता है, तो उसे मैंने उबाल दिया था और बालकनी में ही रखती हूँ मैं चूल्हा जिस पे प्रसाद बनाती हूँ। तो अब शाम हो गई थी, तो उसी दूध में मैंने चावल डाल दिया था और गुड़ की खीर बनाती हूँ। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसमें गुड़ डालूँगी और यहीं पर मेरा सारा प्रसाद बनता है, क्योंकि रूम में पूजा के सारे सामान रखे हुए होते हैं, इसलिए मैं बालकनी में ही बनाती हूँ। और आज मौसम बहुत ही अच्छा भी किए हुए है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, ध्यान से देखने पर पता चलेगा। और श्रेया जो है वो एक पतली सी कंबल बिछी हुई थी नीचे में, तो वो उठाने गई हुई है, उसे मैंने कहा उठाने के लिए तो वो चली गई। और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो मौसम बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल धूप नहीं थी और अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी। खीर बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि खरना की तैयारी करनी थी। तो बस यहीं तक का है मेरा आज वीडियो। थैंक यू।